जय चिनेंद्र फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसजेस क्रिएशंस। आज हम बनाएंगे इटालियन डेजर्ट टिरामिसू। इसे हम कुकी केक भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बर्थडे या किसी फेस्टिवल पे भी बना सकते हो। चलिए तो अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो हमें चाहिए पनीर पाउडर, शुगर, हेवी व्हिपिंग क्रीम, इंस्टेंट कॉफ़ी, लेडी फिंगर कुकीज़। इन कुकीज़ की लिंक वीडियो के आखिरी में दी है। और वार्म वाटर। फ्रेंड्स, टिरामिसू बनाने के लिए हमें मास्कारपोन चीज़ चाहिए, बट वो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए मैंने पनीर कट कर लिया है और उसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अब उसे क्रीमी और सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ मैं 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे ये क्रीमी हुआ है कि नहीं। अब ये क्रीमी नहीं हुआ है तो फिर से मैं इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ और साथ ही मैं 3 से 4 चम्मच शुगर डालकर फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ शुगर की मात्रा आपके टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे ये क्रीम चीज़ तैयार हो गया है। अब हम 1 कप क्रीम चीज़ लेंगे और उसमें 2 कप व्हिप क्रीम डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमारा क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इस क्रीम को हम थोड़ा साइड में रखेंगे और यहाँ हम 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून हल्का गुनगुना पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमारा कॉफ़ी मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक स्क्वायर बर्तन ले लेंगे और उसी में हम टिरामिसू बनाएंगे। ये जो लेडी फिंगर कुकीज़ है उसे हम कॉफ़ी मिक्सचर में डिप कर लेंगे और इस तरह से हम ट्रे में अरेंज कर लेंगे। फ्रेंड्स, कुकीज़ में भी शुगर है, हमारे क्रीम में भी शुगर है, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी मिक्सचर में शुगर ऐड नहीं की है। अगर आपको लगता है कि हमें और शुगर चाहिए तो आप कॉफ़ी मिक्सचर में शुगर भी ऐड कर सकते हो। अब ये एक लेयर हमारी हो गई है। अब हम थोड़ा सा कॉफ़ी का मिक्सचर इन कुकीज़ पर डाल देंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए। अब जो हमने क्रीम बनाई थी वो उस क्रीम का एक लेयर हम ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अब क्रीम सब तरफ स्प्रेड हो चुका है। अब हम फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। कुकीज़ को कॉफ़ी मिक्सचर में डिप करके एक और लेयर हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब जो साइड में जगह बची है वहाँ पे मैं कुकीज़ के छोटे छोटे पीसेस रख रही हूँ। अब यहाँ हमारा कुकीज़ का लेयर बन गया है। अब सेम हम इस पे फिर से एक बार क्रीम स्प्रेड कर देंगे। यहाँ हमें क्रीम अच्छे से स्प्रेड करनी है। अब यहाँ ये क्रीम स्प्रेड हो चुकी है। अब हम इस पे कोको पाउडर डस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ मैं टूथपिक से कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। अब हम इसे सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। 5 घंटे हो चुके हैं। अब टिरामिसू बिल्कुल रेडी है। हम इसे कट कर लेंगे और सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।